स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म करियर मेकअप फॉर एकेडमिक्स। जैसा कि बेटा हमने स्टार्ट किया था क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था बेटा डबल फर्टिलाइजेशन। हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कवर कर लिए, फर्टिलाइजेशन भी कवर कर लिया। आज हम पढ़ेंगे बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ने से पहले हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था बेटा कि जो मेल न्यूक्लियस होगा, मेल न्यूक्लियस जो है वो एग के साथ फ्यूज करके क्या बनाएगा बच्चा, जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा? जाइगोट। वो जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा, है ना। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था जो सेकेंड मेल न्यूक्लाई होगा, ठीक है, जो सेकेंड मेल न्यूक्लियस होगा वो किसके साथ फ्यूज करेगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, है ना। वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ बच्चा फ्यूज करके क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म, जिसको हमने नाम दिया था पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये जायगोट डिप्लॉइड था और ये कैसा होगा बेटा, ट्रिप्लॉइड होगा, 3N, है ना। तो आगे जाके जो अव्यूल होगा बच्चे फर्टिलाइजेशन होने के बाद, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो जो है उनकी डेवलपमेंट हो जाएगी। अव्यूल जो है वो मैच्योर हो जाएगा सीड में, और जो ओवरी है वो आगे जाके क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी। क्या बनाएगी बेटा? फ्रूट बनाएगी। इन सभी इवेंट्स को हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, जिसमें हमारे पास बनेगा एंडोस्पर्म, एम्ब्रियोजनी होगा और सीड फॉर्मेशन। ओके, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है, जो कैसा होगा, जिसका प्लॉइडी लेवल 3N, ट्रिप्लॉइड होगा ना, दो पोलर न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए हैं, उनके साथ जब एक मेल गैमेट फ्यूज होगा, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा बेटा, एंडोस्पर्म बनाएगा। सो एंडोस्पर्म सेल्स फिल विद रिजर्व फूड मटेरियल, मेनली सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन टू फॉर द एम्ब्रियो। अब एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या रहता है, जब एम्ब्रियो डेवलपिंग स्टेज में होगा, एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होगा ना, जायगोट से एम्ब्रियो बन रहा होगा, उस टाइम पे जो एंडोस्पर्म है ये क्या करेगा, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, बिकॉज इट हैज रिजर्व फूड मटेरियल। ओके, अब देखते हैं बच्चा कि किस तरीके से एक सीड जो है वो बनता है, सीड फॉर्मेशन, ठीक है, सीड किस तरीके से ओव्यूल से बनता है। द एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3N डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म द एंडोस्पर्म इन एंडोस्पर्मिक सीड्स। अब कुछ सीड्स ऐसे होते हैं बेटा जिनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। एक्चुअली क्या होता है, जो उनका एम्ब्रियो होता है ना, उसने एंडोस्पर्म को यूज कर लिया होता है, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट उस आगे जाके पढ़ेंगे। सो दिस एंडोस्पर्म एक्ट एज अ फूड स्टोर्ड फॉर द डेवलपिंग स्टेट। जो 3N पैन बना, ये एंडोस्पर्म जो है ये फूड प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग सीड को। एग्जाम्पल किस में आता है बेटा, सब मेज में, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 2N जायगोट है ना, ये बड़ा, ये भी साथ में बड़ा ग्रो होता जाएगा, होते जाएगा, साथ ही साथ ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, दिस एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से लेगा, ठीक है। अब बेटा एंडोस्पर्म जो है वो किस तरीके से बनता है, PEN सक्सेसिवली न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर द CW फॉर्मेशन आफ्टरवर्ड्स। अब क्या होता है बेटा कि जैसे यहाँ पे आपको बताती हूँ क्या होता है यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे जो नॉर्मली जो न्यूक्लियस डिवाइड होता है सेल, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, 1 से 4 बनते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। इस कंडीशन को हम कहेंगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, क्या कहेंगे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फिर उसके बाद आगे जाके वॉल्स बनेगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे है फर्स्ट एंड सिक्वेंटल डिवीजन फॉलोड बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन। अब हमारे पास आता है टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, एक आता है दिस इज, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये सेल्युलर एंडोस्पर्म है, सेल्युलर एंडोस्पर्म वो वाला एंडोस्पर्म हो गया जहाँ पे क्या होगा बेटा, जो न्यूक्लियस जो होगा डिवाइड करेगा, उसके बाद फॉल फॉर्मेशन होगी इस तरीके से, ठीक है, ये यहाँ पे ये एंडोस्पर्म। अब यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो फ्रीली लाई कर रहा है, यहाँ पे कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो बेटा ये हमें कहाँ पे मिलता है, ठीक है, ये आप देख सकते हो कोकोनट के अंदर होता है, एंड दिस इज सेल्युलर एंडोस्पर्म, ये देखिए यहाँ पे दिस इज सेल्युलर एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल बिटवीन द टू ट्रांसवर्स वॉल माइक्रोपाइलर एंड चलाजल चैम्बर, नॉट परसिस्टेंट एम्ब्रियो इन सम सीड्स एंड परसिस्टेंट टिल जर्मिनेशन। कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी सीड्स में ये प्रेजेंट होता है, किसी किसी में ये नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म कैसे बनते हैं। देखो ये दिस इज अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इसमें न्यूक्लियस फ्रीली डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे कोई भी वॉल की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। अब सेलुलर में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे डिवाइड होने के बाद यहाँ पे सेल्स बन रहे हैं, है ना। अब हेलोबियल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियस 1 से 2 में डिवाइड कर रहा है, अब यहाँ पे 2 भी डिवाइड करने के बाद यहाँ पे एक वॉल बन रही है यहाँ पे, ठीक है, और एक साइड वॉल बन रही है यहाँ पे, दूसरी साइड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है,
ठीक है बेटा। अब एम्ब्रियोजेनी क्या होता है? एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ठीक है, जो हम एम्ब्रियो फॉर्मेशन के प्रोसेस को पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियोजेनी मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। अब दोनों मोनोकॉट्स और डायकॉट्स में बेटा सेम होती है, ठीक है, डेवलप एंड फ्रॉम द माइक्रोपाइल विद द जायगोटिस फॉर्म। फर्स्ट एंडोस्पर्म डेवलप कहाँ से होता है बेटा? जायगोट से, प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिशन टेकन किया। अब जायगोट जो है सबसे पहले क्या होगा बेटा, हम यहाँ पे देख लेते हैं। जायगोट जो है, ठीक है, उसमें माइटोटिकली क्या करेगा? डिवाइड करेगा। दिस इज अ जायगोट, यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखो जायगोट है। जायगोट क्या कर रहा है? माइटोसिस कर रहा है। इसमें माइटोटिक डिवीजन होगी, ठीक है। इसके सेल कैसे हैं? डिप्लॉइड हैं, 2n है। अब यहाँ पे माइटोटिकली डिवाइड करेगा, दो सेल्स बनेंगी। ऊपर वाले सेल को हम कहेंगे टर्मिनल सेल, नीचे वाले सेल को क्या कहेंगे बेटा? बेसल सेल। अब उसमें फर्दर डिविजन होंगी तो वो क्या बनाएगा? ऊपर वाले सेल को हम कहेंगे सेल एम्ब्रियो, तो नीचे वाले सेल्स को हम कह देंगे सस्पेंसर सेल्स। क्या कहेंगे बेटा? सस्पेंसर सेल्स। आगे जाके उसमें और फर्दर विजन होगी, कुछ मोर चेंजेस होंगे, इसको ये बनाएगा, इसको हम कहेंगे एम्ब्रियो। और ये जो सस्पेंसर सेल है वो थोड़ा बड़ी शेप ले लेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा, और यहाँ पे माइटोसिस होगी, डिवीजन होगी, सेल डिवाइड करेंगे, सस्पेंसर सेल वहां का वहां ही रहेगा थोड़ा सा, और यहाँ पे और सेल्स एड हो जाएंगे डिविजन से, ठीक है। इस स्टेज में बेटा हम इसको बोलेंगे ग्लोब्यूलर स्टेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये और इसमें डिविजन्स होंगी, ठीक है। फिर ये क्या बनाएगा? दिस इज कॉल्ड हाइपोसिस एंड हाइपोफाइसिस एंड दिस इज अ सस्पेंसर सेल। ये आगे इसका आ जाएगा बेटा एम्ब्रियो, ठीक है। अब इस स्टेज में इसको हम बोलेंगे हार्ट स्टेज, ओके। फिर नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे जो एनसीईआरटी में बेटा, वहाँ पे आपको एक ग्लोब्यूलर शेप है और हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, यही आपको वहाँ पे मेंशन किया गया। टॉर्पेडो स्टेज, इसको लंड याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपने इतना ही रखना। जो मेच्योर एंडोस, जो मेच्योर सीड होगा वो किस तरीके से दिखेगा बेटा? वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। दिस इज अ टाइप ऑफ, किस टाइप का ये सीड है, ठीक है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो। जब ये कॉटिलेडन्स है दोनों के दोनों इसके, ठीक है। एंड दिस इज अ शूट मेरिस्टम, आगे जाके इसने शूट बनानी है और इसने आगे जाके रूट बनानी है इस रीजन में, ठीक है। तो क्या पढ़ते हैं हम, क्या क्या लिखा है यहाँ पे, कैसे बनता है? ट्रांसवर्स डिवीजन, टू सेल्स टूवर्स माइक्रोपाइलर एंड टर्मिनल सेल्स एंड बसल सेल्स सस्पेंसर सेल। जो फर्स्ट डिवीजन में क्या होगा बेटा? ट्रांसवर्स डिवीजन होगी इस तरीके से, ना, जो इस तरीके से डिवीजन होगा उसको क्या कहते हैं हम? ट्रांसवर्स डिवीजन। यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको मैं एक बार रब कर देती हूँ ताकि आपको डायग्राम अच्छे से दिखेगी क्लियरली। तो क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे? पहले जायगोट जो है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड कर रहा है, किस रीजन में? प्रेजेंट, अभी भी मैंने बताया था आपको माइक्रोपाइलर एंड में, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड में, और बना डिवाइड करके दो सेल्स बना रहा है, कौन से? एक टर्मिनल, दूसरा बेसल सेल, है ना। और उसी के नीचे क्या है बेटा? उसको हम सस्पेंसर सेल भी कहते हैं, ठीक, आगे जाके इसे हम सस्पेंसर सेल कहेंगे। अब सस्पेंसर सेल जो है वो ट्रांसवर्स डिवीजन होगी सस्पेंसर सेल में, 6 to 10 सेल्स फॉर्म सस्पेंसर, उसमें 6 से 10 सेल्स होंगे, वो क्या बनाएंगे बेटा? सस्पेंसर बनाएंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पे इस रीजन में डिवीजन हो रही है। एंड द टर्मिनल सेल इज स्वॉलन, जो टर्मिनल सेल है वो कैसा हो जाएगा बेटा? स्वॉलन हो जाएगा, ठीक है, वो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, स्वॉलन हो जाएगा, आगे जाके फिर उसमें क्या होगा? वैस्किक्यूलर हेस्टोडियम बनेगा, और सबसे लोअर मोस्ट पोर्शन क्या आ जाएगा इसका? रूट टिप एंड रूट कैप, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ये सस्पेंसर सेल का ही तो पार्ट है ना, ये रूट टिप और रूट कैप, ठीक है। ये नीचे वाला सस्पेंसर सेल है, ऊपर वाला कौन सा सेल है बेटा? ये सारा का सारा टर्मिनल सेल, जो मैंने आपको पहले बताया, ओके। तो अगर हम बात करें डायकॉट एम्ब्रियो की, तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है मेरे पास बेटा? हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलेडन्स। क्या क्या आता है डायकॉट एम्ब्रियो में? हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और कॉटिलेडन, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड ये क्या है, ये दोनों के दोनों दिज आर कॉटिलेडन्स और ये क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस पे हमारे पास ये एक रीजन आता है, इसको हम बोलते हैं ऊपर वाला प्रिम्यूल, आगे जाके प्रिम्यूल जो है वो शूट बनाता है और रेडिकल जो होता है वो रूट बनाता है, ठीक है। इट इज कवर्ड बाय द रूट कैप, जो रूट्स निकलती है ना, ऐसे रूट नहीं निकलती उसको, एक्चुअली रूट जो होती है सॉइल में काफी सारे स्टोन वगैरह प्रेजेंट होते हैं जिससे उनको डैमेज होने का खतरा होता है, तो जो रूट्स होती है बेटा उनको एक स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करता है रूट कैप, ठीक है। अब ये क्या है? हाइपोकोटाइल एंड दिस इज कॉटिलेडन्स। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स इज कॉल्ड एपोकोटाइल। बेटा जो कॉटिलेडन्स के ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये दिस इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल। क्या कहेंगे बेटा इस रीजन को? हम एपिकोटाइल कहेंगे, विच टर्मिनेट्स विद द प्लिम्यूल और
और प्रिम्यूला और स्टेम टिप, जो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, जो आगे जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है. दिस इज एपिकोटाइन. इस रीजन को क्या कहेंगे बेटा हम, एपिकोटाइन. द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन इज कॉल्ड हाइपोकोटाइन. कॉटिलेडन के नीचे वाला हिस्सा, दिस इज कॉल्ड एज अ हाइपोकोटाइल. हाइपो मीन्स नीचे, एपी मीन्स ऊपर, ठीक है. दैट टर्मिनेट्स एट इट्स लोअर एंड एट रेडिकल्स. अब वो टर्मिनेट आगे जाके क्या बनाएगा बेटा, कहां पहुंच रहा है ये, रेडिकल बनाएगा. द रूट टिप इज कवर्ड विद अ रूट कैप. अब रूट टिप किस पे कवर होगी बेटा, रूट कैप में. एंड दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ डायकॉट एम्ब्रियो. क्या होगा डायकॉट एम्ब्रियो में, हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी और कॉटिलेडन्स होंगे. अब बेटा हमारे पास जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो की, तो मोनोकॉट में हमारे पास ग्रासेस की फैमिली आ जाती है ना. तो द ग्रास फैमिली द कॉटिलेडन इज कॉल्ड स्क्यूटिलम. अब याद रखना जो मोनोकॉट्स में कॉटिलेडन होता है बेटा, वहां पे हमारे पास दोनों फ्लैशेस ऑफ कॉटिलेडन्स है ना, ये दिख रहे हैं आपको. बट जो अगर बात करें हम मोनोकॉट्स की, तो इनमें हमारे पास कॉटिलेडन को क्या कहेंगे हम, स्क्यूटिलम. क्या कहेंगे बच्चा, स्क्यूटिलम. सिचुएटेड टुवर्ड्स वन लेटरल साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस. ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है ना, अब इसकी लेटरल साइड में है, ठीक है. एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज अ रेडियल एंड रूट कैप एनक्लोज्ड इन अ अनडिफरेंशिएटेड शीथ कॉल्ड स्कॉलरिजा, ठीक है. जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का एट इट्स लोअर, इसके नीचे वाले एंड पे हम देख रहे हैं कि जो रूट कैप है, रूट रेडिकल है, उसको एक शीथ ने कवर किया है. उसके मास अनडिफरेंशिएटेड हैं, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड हैं, तो उन्होंने कवर किया है. कोई स्पेशलाइज टाइप के सेल्स नहीं है इसके, अनडिफरेंशिएटेड हैं. तो किसने कवर किया बेटा, इस शीथ का नाम है स्कॉलियोराइजा. स्कॉलियोराइजा कवर करके रखती है बेटा रूट को, रूट कैप को, रेडिकल को, ठीक है. और शूट, उसी तरीके से बेटा शूट है यहाँ पे, शूट अपेक्स को भी शीथ कवर करेगी, उसे हम बोलेंगे सीलियोबटाइल. क्या कहेंगे बेटा, सीलियोबटाइल. द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटिलम इज एपिकोटाइल. वही वहां पे भी एपिकोटाइल था, यहाँ पे भी एपिकोटाइल. एज अ शूट अपेक्स एंड अ फ्यू लीफ प्रिमोडी एनक्लोज्ड इन अ हॉलो स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ सीलियोबटाइल. अब ये हमने बेटा किसका देखा, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड, ठीक है. तो क्या क्या आता है हमारे पास मोनोकॉट सीड में, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, सीलियोपिटाइल होता है, शूट अपेक्स होता है, रेडिकल होता है, रूट कैप और एक एपी ब्लास्ट होता है, ठीक है. यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ आया एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, आप यहाँ पे एक बार डिफरेंस पे पढ़ सकते हैं. एपिकोटाइल क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस इन बिटवीन द प्रिम्यूल एंड कॉटिलेडन नोड. जो प्रिम्यूल और कॉटिलेडन के बीच में जो पोर्शन आएगा, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, एपिकोटाइल कहेंगे. प्रिम्यूल और कॉटिलेडन के बीच में जो पोर्शन है, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, एपिकोटाइल, है ना. यहाँ पे प्रिम्यूल और कॉटिलेडन के बीच वाला है ना. एंड बच्चे हाइपो, इट इज अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन द कॉटिलेडन नोड एंड रेडिकल. जो कॉटिलेडन की जो नोड होगी और रेडिकल के बीच में. इन हाइपोजियल जर्मिनेशन एपिकोटाइल एलोंगेट्स सो दैट कॉटिलेडन्स रिमेन इन द सॉइल. इन एपिजियल जर्मिनेशन हाइपोकोटाइल एलोंगेट्स सो दैट कॉटिलेडन्स आर आउट ऑफ द सॉइल. द टर्मिनल एंड ऑफ द एपिकोटाइल इज प्लेम्यूल. द टर्मिनल एंड होगा हाइपोकोटाइल का, वो क्या होगा, रेडिकल. हमने देखा था यहाँ पे टर्मिनल एंड जो होगा वो हाइपोकोटाइल का प्लेम्यूल होगा, ठीक है. और यहाँ पे वो क्या होगा, रेडिकल. ये हाइपोकोटाइल है, ये एपिकोटाइल है, ठीक है, अगर इनमें भी है. ओके तो ये आप देख लेना बेटा यहाँ पे. एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है सीड जर्म फॉर्मेशन. सीड फॉर्मेशन बेटा हमने देखा था ना, यहाँ पे प्लिम्यूल है, रेडिकल है, कॉटिलेडन्स है, माइक्रोपाइल, पोर, एंट्री ऑफ ऑक्सीजन वाटर ड्यूरिंग द जर्मिनेशन. अब उसके बाद हमारे पास एक रीजन आता है, बताया था ना अभी मैंने आपको, माइक्रोपाइलर रीजन. अब बेटा ये माइक्रोपाइलर रीजन जो है ना, ये सीड में भी परसिस्ट रहता है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, एक पोर होता है. सीड ने भी तो रेस्पायर करना ना, सांस लेनी है. तो बेटा वो ऑक्सीजन जो है, वाटर वगैरह जो कहाँ से ये लेगा जर्मिनेशन के टाइम, तो वो कहाँ से एंटर होगा, थ्रू दिस माइक्रोपाइलर रीजन. कहाँ से एंटर होगा बेटा, माइक्रोपाइलर रीजन से. आप पूरा का पूरा सीड दे सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये इसका एंडोस्पर्म है ना, और ये क्या है इसका, एम्ब्रियो. देखो एम्ब्रियो ग्रो होता जा रहा है और एंडोस्पर्म की अमाउंट है वो कम होती जा रही है. इंटेग्यूमेंट्स बिकम सीड कोट. आगे जाके इंटेग्यूमेंट जो है वो सीड कोट बनाते हैं, ओव्यूल जो है वो सीड बनाता है, और फिर जो ओवरी है वो क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है, ठीक है. अब बेटा नेक्स्ट टाइप के हम देखते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्बिनिमस सीड्स. ऐसे सीड्स बेटा जिनमें एंडोस्पर्म जो होता है वो पूरा का पूरा
एम्ब्रियो ने यूज कर लिया होता है ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स. इफ ऑल द एंडोस्पर्म इज अब्सॉर्ब बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो द सीड इज अ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, एग्जांपल ब्रॉड बीन, पी, ग्राउंडनट. ठीक है, तो किन में जो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म जो है वो कंज्यूम कौन कर लेता है बेटा, उनमें जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लेगा. ऐसे सीड्स को हम क्या कहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स. जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कहीं पे एंडोस्पर्म नहीं है ना, सारा का सारा दिस इज एम्ब्रियो, ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो खा गया है एंडोस्पर्म को. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास एंडोस्पर्मिक सीड. उससे पहले हम इसकी एग्जांपल्स एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या है. याद रखना बेटा, एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बीन, पी और ग्राउंडनट किसमें होता है बेटा, ये ग्रीन बीन में, पी और ग्राउंडनट में. एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड्स. ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड्स. अब ये इनमें क्या होगा कि जो पूरा का पूरा जो एंडोस्पर्म है वो जायगोट ने या एम्ब्रियो ने यूज नहीं किया होगा उसकी डेवलपमेंट के टाइम. इफ ऑल द एंडोस्पर्म इज नॉट अब्सॉर्ब बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो द सीड इज एंडोस्पर्मिक सीड, एग्जांपल मेज आ जाती है, वीट, बार्ले, कैस्टर एंड सनफ्लावर. ठीक है बेटा, अब नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक सीड्स हम देख लेते हैं एक बार. ये देखिए बच्चे यहाँ पे, दिस इज प्लिम्यूल एंड दिस इज रेडिकल, दिस इज रेडिकल, दिस इज प्लिम्यूल. ये इसका कॉटिलेडन देखो कितना फ्लशी है, इसका बिल्कुल ही रिड्यूस होगा जिसको हम बोलते हैं स्क्यूटिलम. एंड दिस इज एंडोस्पर्म, है ना, आप यहां से अच्छे से देख पा रहे होंगे, ये इसका एंडोस्पर्म है, ये कॉटिलेडन है. अब यहां पे सारा का सारा एंडोस्पर्म कहां पे है, इनके कॉटिलेडन के अंदर है. ठीक है, एग्जाम्पल ब्रॉडबीन आ गई और दिस इज मेज. ठीक है बेटा, मेज में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा, सारा का सारा एम्ब्रियो यूज कर गया है. ठीक है, ये देखिए बेटा यहाँ पे एग्जांपल मैंगो है ना, ये इसका बाहर वाला हिस्सा है मैंगो, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ओव्यूल से बना है, ये किससे बना है बेटा, ये बना है ओवरी से. ठीक है, ये इसका एंडोस्पर्म, ये एम्ब्रियो देखिए इसका, एंड दे देखो मैंगो का, मैंगो का एंडोस्पर्म. ये देखिए पीच का सीड है, एंडोस्पर्म है, ये इसका सीड दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा सीड है, इसके अंदर एम्ब्रियो भी दिख रहा है. दिस इज सीड कोट, बाहर वाला जो सीड कोट है इंटेग्यूमेंट से जो बना है. दिस इज पेरिकार्प, एंडोकार्प एंड मेसोकार्प, ये बेटा इसके स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ हमारी कवरिंग होती है टाइप ऑफ सीड्स पे. ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा. मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, बाकी जो है हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ सीड में क्या क्या होता है, उसकी कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. तो तब तक के लिए बेटा अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.